हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर TGT एंड PGT पर सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बनाया गया, चाहे वो बोर्ड के एग्ज़ाम के बच्चे हों या फिर किसी कंपटीशन वन डे एग्ज़ाम के बच्चे हों, सबके लिए चैनल काफ़ी लाभकारी होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के ऑटोबायोग्राफी के ऊपर है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का क्या योगदान रहा है संगीत जगत में, उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर के बारे में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो संगीत से जुड़ा होगा और इनका नाम नहीं जानता होगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म हुआ था 10 अगस्त सन 1860 में मुंबई के बालकेश्वर नामक जगह पर हुआ था इनका कृष्ण जन्म अष्टमी के दिन। इनके घर में इनके माता पिता सब जो थे, संगीत का अच्छा माहौल घर में था, तो जिससे शुरू से ही इनको घर से ही संगीत सीखने का प्रेरणा मिली और ये पढ़ाई करते करते हुए भी ये संगीत सीखते रहते थे। इन्होंने गायन और सितार बजाना और बांसुरी की शिक्षा ये अपने पढ़ाई के साथ साथ ये शिक्षा गायन बांसुरी और सितार वादन का शिक्षा ये लेते रहे। इन्होंने सितार वादन सेठ बल्लभ दास से सीखा था और गुरु बुआ राव से, पंडित एकनाथ और रामपुर के मोहम्मद अली से इन्होंने जो है गायन सीखा था। सन 1883 में इन्होंने जो है BA की परीक्षा पास की और सन 1890 में इन्होंने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद फिर भी इनका मन जो है वकालत करने में नहीं लगा। कुछ समय के बाद ये वकालत करते करते जब इनका मन वकालत में नहीं लगा तो ये वकालत को छोड़ करके जो है संगीत की सेवा में रम गए। अब इन्होंने जब संगीत की सेवा स्टार्ट की तो इन्होंने संगीत में ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए जो संगीत जगत कभी भुला नहीं सकता इनके कार्यों को। इन्होंने अपने वकालत को छोड़ करके और दूर ये भ्रमण पर निकल गए। जहाँ से भी इनको कोई संगीत ग्रंथ मिला उसको इन्होंने इकट्ठा किया, उसके सामग्री को इन्होंने पढ़ा और उसमें से जो काम की चीज़ें थी उसको इन्होंने इकट्ठा किया और भी दूर दूर जगहों पर ये गए। जहाँ से इनको अच्छे कोई संगीतकार मिला उनसे इन्होंने संपर्क किया, उनसे चाहे सेवा करके या फिर उनका हाथ पैर दबा करके कुछ पैसे दे करके जो भी इनको वहाँ से सामग्री एकत्रित हो पाई इन्होंने पूरा किया उसको और उन लोगों से कुछ गायन वादन ही संगीत की जानकारी भी ये प्राप्त करते रहे। इन्होंने अलग अलग रागों में अलग अलग रागों की कई बंदिश उसमें से गीत सब एकत्रित करके क्रामिक पुस्तक मलिका जिसको हिंदुस्तानी संगीत पद्धत 6 भागों में है उसमें इन्होंने संग्रहित किया। उस समय क्योंकि ये आज जो हम संगीत सीख रहे हैं ये उन्हीं का दिया हुआ जो इतना आसान हो गया, नहीं तो पहले जो था कि कोई भी एक गाना सीखने के लिए अपने गुरु के पास साल साल भर रहना पड़ता था क्योंकि पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल शास्त्रात्मक संगीत और क्रियात्मक संगीत में बहुत विषमताएँ आ चुकी थी। कोई शास्त्रीय पक्ष पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता था, सब केवल क्रियात्मक पर ही ध्यान देते थे। तो इन्होंने क्या किया, शास्त्रीय पक्ष पे भी उतना काम किया और सबकी एक स्वरलिपि बनाई। जितने भी रागों में इन्होंने बंदिश को इकट्ठा किया, गीत को इकट्ठा किया, सबकी एक स्वरलिपि बना करके इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धत जो क्रामिक पुस्तक मलिका के नाम से 6 भागों में प्रकाशित हुआ उसमें इन्होंने दिया। जैसा कि मैंने बताया इनके स्वरलिपि पद्धत बनाने से पहले किसी एक राग को किसी एक गीत को किसी भी अभ्यर्थी को सीखने के लिए अपने गुरु के पास जो है 1 से 2 साल तक लगते थे, तब भी वो उतना अच्छा नहीं सीख पाता था। लेकिन आज स्वरलिपि पद्धति के माध्यम से हम कोई भी गीत हो कोई भी बंदिश हो जो हम आसानी से सीख सकते हैं। क्रियात्मक संगीत को लिपिबद्ध करने के लिए इन्होंने एक नवीन जो है स्वरलिपि पद्धति अपनाई जो इन्हीं के नाम से है, पंडित भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, जिसको हम उत्तर भारतीय स्वरलिपि पद्धति के नाम से भी जानते हैं जो हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है। इसके बाद इन्होंने कुछ और भी जो काम किए हैं, जैसे इन्होंने पहले जो राग रागनी वर्गीकरण चलता था इनके समय से, पंडित भातखंडे के पहले से राग रागनी वर्गीकरण चलता था, लेकिन इन्होंने अपने विद्वता से राग रागनी वर्गीकरण में जो भी विषमताएं थी उसको दूर करके और एक नवीन पद्धति चलाया जिसको नाम रखा गया थाट राग वर्गीकरण, जिसको वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने सभी रागों को 10 थाटों के अंतर्गत रखा और उन रागों की जो स्वरलिपि बनाई वो इन्होंने अपने स्वरलिपि भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के आधार पर इन्होंने बनाया। जैसा कि आप सभी को एक जानकारी और देना चाहूँगा
कि पहले जो था शुद्ध थाट काफ़ी माना जाता था, लेकिन जब से थाट राग वर्गीकरण आया तब से जो है काफ़ी के स्थान पर, तो इसे सन 1813 में नगमाते आसफी में जो है बिलावल थाट को शुद्ध मान लिया गया था, लेकिन शुद्ध थाट जो है बिलावल के रूप में थाट राग वर्गीकरण के समय से ही ज़्यादा प्रचार में आया। और थाट राग वर्गीकरण में बिलावल थाट आज भी शुद्ध थाट माना जाता है। जिस समय हमारे यहाँ रेडियो और टेलीविज़न का प्रचलन नहीं था, उस समय भी पंडित भातखंडे ने हार नहीं माना और अलग अलग जगहों पर ये संगीत सम्मेलन करवाते रहे। सबसे पहले सन 1916 में बड़ौदा में इन्होंने एक बृहद संगीत सम्मेलन कराया और वहीं पर अखिल भारतीय संगीत विद्यालय के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया वहाँ पर खोलने के लिए, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ अखिल भारतीय संगीत अकादमी के नाम से। हालांकि ये विद्यालय जब खुला तो काफ़ी बहुत ज़्यादा दिनों तक जो है काम नहीं कर पाया और किन्हीं कारणों से ये बंद हो गया। इसके बाद भी ये निराश नहीं हुआ और संगीत की सेवा लगातार करते रहे और सन 1925 तक ये लगातार 4 से 5 बनारस, दिल्ली, लखनऊ आदि जगहों तक ये संगीत सम्मेलन करवाते रहे। इन्होंने संगीत के अभ्यर्थियों के लिए कई संगीत विद्यालय भी खुलवाए, जैसा कि लखनऊ में मैरिज संगीत विद्यालय, जिसको आज हम भातखंडे संगीत विद्यापीठ के नाम से जानते हैं, माधव संगीत विद्यालय जो ग्वालियर में है, और म्यूजिक कॉलेज जो कि बड़ौदा में है। इन्होंने संगीत के अभ्यर्थियों के लिए कुछ पुस्तकें भी लिखी, संगीत के ऊपर कुछ किताबें भी लिखीं, जो इस प्रकार से हैं: हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, जो क्रामिक पुस्तक मलिका के नाम से 6 भागों में है; भातखंडे संगीत शास्त्र, 4 भागों में है; अभिनव राग मंजरी, लक्ष्य संगीत, स्वर मलिका आदि जो प्रसिद्ध किताबें हैं, ये पंडित भातखंडे के द्वारा ही संगीत की सेवा के लिए स्पेशली लिखा गया है। इस प्रकार पंडित भातखंडे जी संगीत की सेवा करते करते सन 1936 में 19 सितंबर को इनका देहांत हो गया। आशा करता हूँ कि पंडित भातखंडे के बारे में हमने जो आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने यही प्रयास किया कि आसानी से आपको समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे बच्चे जो क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देने को है, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन UGC नेट के बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।